Assalamualaikum ladies and gentlemen, मैं मोहसिन अब्बास, अगर आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड। होस्टिंग के लिए जरूरी है कि इंसान टैलेंटेड हो, ऑब्वियसली खूबसूरत भी हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि होस्ट वो जो सबके होस्ट उड़ा दे। क्या लिखते हो यार, नहीं सॉरी लिखा है होस्ट वो जो ऑडियंस मन भाए। तो आज की हमारी मेहमान इस मेरिट पे पूरा उतरती हैं, द वन एंड द ओनली आशा जहांसेब, लेडीज एंड जेंटलमैन। अपना मुकदमा खुद लड़ेंगी या फिर हमारे पास ऑप्शन होती है हमेशा गेस्ट को देने के लिए। हमारे पास एक वकील है बड़े नामवर, मीर मोहम्मद अली एडवोकेट। अच्छा, चाहिए नहीं चाहिए? नहीं, मैं काफी हूँ। ओके, यस, ऑलराइट। वैसे अगर मैं आपके, नहीं बैठने की क्या चाहिए, थक गई हैं आप, अभी तो आई हैं आप। ओके, एक सेकंड, मेरे हाथ खाली नहीं भाई, होस्ट जो है खाली हाथ लो। मेरी गेस्ट खिल रही पई है, खुली पई है। अगर मैं आपकी नस्ल में तारीफ करूंगा तो उन्हीं देर जो पेट्रोल और महंगा हो जाना, मेरे ख्याल में मैं आपके लिए कुछ कस्टम क्लियर माहिये लेकर आया हूँ। कस्टम मेड होता है शायद, कस्टम हम कस्टम से क्लियर करवा के लाए हैं। अच्छा अच्छा, जरा आपकी पॉलिटिकल नॉलेज कम है। और मैं जरा मीर साहब के साथ काम करता हूँ ना एक्चुअली। नो फ्लेक्सेस, मैंने भी किया है। ओ कोई कुर्ते दी जेब हुंदी, आयशा जहां जेब होंदी, जिथे आयशा जहां जेब होंदी, कोई कर दे रोस्ट माया, आए कोई कर दे रोस्ट माया, सियासी होस्ट माया, ओए ए फेवरेट होस्ट माया। और से सुनो, शायरी दा शौक भी ओके, चलो फिर शायरी दा शौक भी कर दी, महंगाई जितनी हो चुकी है जी, ते बिजली दे बिल भी भरने ने आपां दोवां ने, मैनू लगदा है आपां दोवें शवारमा ला लईए। तुसी शवारमा ला लो, मैं गल्लां चला लांगी। बहुत अच्छे, तुसी गल्लां चलाइयो, साडा शवारमा बहुत बिकू फिर। यही तो कह रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि फिटनेस के शौकीन लोगों के लिए महंगा पेट्रोल एक तोहफा है। हां जी बिल्कुल, तुसी अपने साइकिल ते टाकी मार ली। हां बिल्कुल, रेडिएटर साइकिल, आप ऐसे फिटनेस फ्रीक हैं भाई, उन्होंने मैं बत्ती लवा ली। ओ ओ आवाज मुंह नहीं कट रही हो, तुम कितनी सुनी कट दे। अच्छा वैसे एक बात बताइए, अभी भी आप हुस्न का पैकर चांद का टुकड़ा तो है ही। थैंक यू, अल्लाह मुझे माफ करे। लेकिन कॉलेज के दिनों में क्या सी एनक लागे देखो ना, फिर तानू पता। मैं असली एनक लाई, मैं ताब नहीं ले आ सकता थोड़े से सुन दी। तो कॉलेज के दिनों में कभी कोई आवाज पीछे पड़ी, रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ओ माय डार्लिंग गिव मी अ लुक, दिल मेरा धड़के तेरे लिए। नहीं भाई, मैं ऑल गर्ल्स कॉलेज में थी भाई, उधर से आवाज आई नहीं सकती। तो बाहर बाहर कोई ऊंट ताड़ टर्की मरती वो बहुत आती थी, तो मैंने कभी लुक कराई नहीं थी कभी। आयशा जी, इससे पहले के आपके कदम जवाब दे जाएं, असी दो में एक दूसरे के हक च बह जाने। चले लेडीज एंड जेंटलमैन, आशा जहां से
ਐ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਐ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹੁਣੇ ਬਹਿ ਜਾ ਉਸ ਨਾ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਸ ਨਾ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਤੁਮਸੇ ਮਿਲਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਬਰ ਹਾਂ ਤੁਮਸੇ ਮਿਲਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਬਰ रोज की लेन लग पे तू गेज नहीं गई होली मामू व्हाट इज गोइंग ऑन फ्रांसिस सुधी कपोला हेलो एवरीबॉडी मेरा ख्याल है हाथ छुट हो गई है जे मेरे हाथ लग जाता इन्हें मुंह छुट भी हो जाना सी हाथ छुट नहीं हाथ सूट हो गई है तो तुसी दोवें शुक्र करो मैं तेरी सुंड लुआ बैठा हूं वाओ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों मामा भांजी को अमेरिका ने तड़ी पार करा दी है असल एक मामे का दुख तुम क्या जानो मोशन बाबू हाय 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 तेनू की दसा मेरी भांजी जो जो भी बनना चाहती है ना वह सारी शख्सियात सिर्फ पाकिस्तान च पाई जा आशा जी को बैठ मैं जाके मुद्दा बयान करा तुम बैठो ताकि ये सेट भी बैठ जाए ला दे ढेर मामू मुद्दा भी बयान करें और मुद्दे वाले चावल भी मंगवाएं और मुर्दा भी बयान कर दे बैठिए प्लीज बात सुने ये सेफ तो है ना हाँ नहीं काटती नहीं है वैक्सीन हुई हुई है ये रख लेने आप हाँ ये दीवार है इन्हें दीवार ही खा जानी है आज दुनिया की हर दीवार गिरा दी जाएगी मुझे लगता है ये कह रही है आज दुनिया की हर दीवार खा ली जाएगी वाकई खा जाती मेरी पांजी ने तो दीवारें चीन से भी कैचअप मार असल च मोशन ए बहुत वड्डी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है ये यस लेकिन ओदी ख्वाहिश है कि मैं और आगे जाना चाहनी है कहां अच्छा करके जाना चाहनी मामू ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਫੜਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਲਾ ਖਰੇ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਆਵੇ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਮਾਮੂ ਆ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭ ਪੋਲੋ ਮਾਮੂ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਆਪਕਾ ਬੁਢਾਪਾ ਖੱਜਕਵਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ वैसे कह तो ठीक रही है लड़की नहीं आशा जी असल चेसी ठुआडे वाला आए हैं मेरी पांजी बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नहीं बड़ी तो काफी नजर आ रही है नहीं नहीं तुसी सुनो तो सही होते हैगी जी जी बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ते है अच्छा लेकिन मैं चाहना कि एदी ग्रूमिंग तुसी करो अगर तुसी ग्रूमिंग कर देंदे हो ते ऐ दो आतशा जहां से बन जाएगा दो आतशा जहां से लेकिन मेरी बात सुने आयशा जी होस्ट हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नहीं है हां थैंक यू तू सोच अगर मेरी पांजी कामरान खान ते आयशा जहांजेब जी नु मिक्स करके नवा फ्लेवर मार्केट च ले आवे ते मीडिया इंडस्ट्री दे विच ते पांबड़ लग जानगे जो लगने हैं वो पांबड़ है ओए होए होए आयशा जी जी मैं पहले ही हो गई हूं बहुत लेट उफ अल्लाह नो मोर वेट नो मोर वेट नो मोर वेट हां अपने आप को कह रही हूं दुनिया जी पहली औरत है जिदा अपना 300 रुपया टूल टैक्स लग जांदा है बच्चे मामू एक सेकंड मामू अगर कोई आदमी मोटा हो तो उस पे टूल टैक्स नहीं लगता है लग जाए ओदे तो उस पे क्या कहोगे तुम ओ जरा मोटा बंदा होता है ना मैनेज कर लेता तुसी बैठो तुसी गल अपने वाल थ्रू के क्यों ले जा रहे हो अब चोर दी दाढ़ी जे तनका है ना मोशन पहले तो मैं सोचिया कि मैं अपनी पांजी नु सना बुच्चा दा शागिर्द करावा तुसी एक बारी दोवें अमेजिंग करो मेरी पांजी कैमरे च कैसी लगे ओ माय गॉड एग्जैक्टली लेकिन पर लेकिन अजी तो धोनी नहीं है आवाम हूं मैं सना बुच्चा दी तरह बगैर चमार तो हूं हैंग नहीं कर पीछे टोल थे वजवा लिया करन धन दक नक तन नक तन नक धन दक नक तन नक तन डडन ओए खाली देखांगे चमाल पाण लिए मैं मुद्दा च बयान कर रहा प्लीज प्लीज मैं फिर जो सना बुच्छा के खारे नु छड़िया जाके अच्छा इन्हें सब तो पहले तो बचिया खुचिया खाना खा जा मुड़ के ओदे सामने जकार भी नहीं मारिया उल्टा ओदी अखा चखा पा के कहंजी है मेरी लंदन च की पाकिस्तान च भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है अच्छा और वो ये सारी बातें सुनकर आग भगोला हो गई उन्होंने मुझे अपनी सहाफत से आग कर दिया वो तेनु आग लान लगी सी मैं रोकिया वो जो लगी हुई है वो पहले ही आग है oh, yes, yes. और जब आग लगी हुई थी तो मैंने खंडे पे खड़े होके कहा बेखतर कूद पड़ी आज से इश्क में विचनी लॉन्ग क्या बेड़ा गर्क किया आपने इतने अच्छे मिसरे का बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क हाय
ਇਹ ਬੁੱਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਹਲੇ ਬੁੱਚਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ? ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਂਜੀ ਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਦਾ ਫਰੂਕੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਆਪਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇੜੇ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਆਪਨੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕਰ ਦੇ ਇਸਕੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਂ ਖੇਂਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰਖਾਨ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਖਤ 'ਚ ਰੰਡਾ ਫੇਰਿਆ, ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਈਵਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਬਤਾ, ਇਨਕੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਆਪਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਰੱਖਾ ਹੈ? ਐਨੀਮਲ ਡਾਕਟਰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਜਾਨਵਰ ਸੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਓਹੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਗਰੀਦਾ ਫਰੂਕੀ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਹੁਜਮ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਖੰਬੇ ਤੇ ਛੜ ਕੇ ਮਾਰ। ਤੋ ਫਿਰ ਸਾਂਝ ਨਿਕਲਿਆ ਖੰਬੇ ਦਾ? ਨੋ ਨੋ, ਮੈਂ ਖੰਬੇ ਤੇ ਚੜੀ। ਹਾਂ। ਔਰ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਕਹਾ, ਮੈਂ ਚੜੀ ਚ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਚੜੀ ਚ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ। ਫਿਰ ਖੰਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੋ ਖੰਬਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਗਰੀਦਾ ਫਾਰੂਕੀ ਨੇ ਕਹਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਸਹਾਫਤ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਓ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਓਏ ਹੋਏ, ਦਾਇਆ ਬਾਇਆ ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ, ਆਪ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਮੇਰੇ ਔਰ ਖਾਬਰ ਖੁੰਮਣ ਕੇ ਸਾਥ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਆ ਗਈ ਰੂਹ ਇਸ ਮੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਲੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ, ਤਾਜ਼ਾ 54 ਖਬਰਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ 6-7 ਬੋਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਕਰੇ। ਯੈਸ, ਹਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਖਾਬਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਚਅਪ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਓ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਹੀ ਮਾਫ ਰਹਿ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਰਾਮ ਕਥਾ ਹਮੇ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ? ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਜਬ ਆਪ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਹਤੇ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਇਨਕੀ ਤਰਫ ਦੇਖਤੇ ਹੈ, ਉਨਕੀ ਤਰਫ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਔਰ ਕਾਣੀ ਸੀ ਆਂਖ ਸੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖਤੇ ਹੈ, ਆਪ ਚਾਹਤੇ ਕਿਆ ਹੈ? ਅਸਲ ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਧਰੋਂ ਆਖੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਾਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਸਨ ਨਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਰੀਲੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਵੈਰੀ ਬੈਡ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੀ ਕੱਟਾ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰ। ਅਬ ਕਿਆ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਆਪ ਮਾਮੂ? ਮੈਂ ਅਸਲ ਚ ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਲਿਸਨ, ਹੈਲੋ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਡੇਂਜਰਸ ਵੀ। ਓ ਬੋਰੀਅਤ ਕੇ ਟੌਮ ਕ੍ਰੂਜ਼, ਆਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਚੰਗਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ, ਚੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸੌਰੀ ਸੌਰੀ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੀ ਲੈਜੈਂਡ ਆਫ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਤੇ ਜਵਾਨ ਫਿਲਮ ਜੈਸਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਗ੍ਰੈਂਜਰ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਗ੍ਰੈਂਜਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮਾਮੂ, ਆਪਕੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਪੜ ਗਏ ਹੈ ਕਿਆ? ਕਿਉਂ ਐ ਮੈਡਮ, ਦਿਹਾੜੀ ਬਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਭਾਂਜੀ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਪੁਸ਼ਪਾ ਵਰਗੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਸੁਣਿਆ। ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਹੋਸਟ ਪੀਥਲ ਕੇ ਹੀਰੋ ਅਵੇ ਤੁਮ ਮਤਰ ਇੰਡੀਆ ਜੈਸੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲ ਫਿਲਮ ਕੋ ਮੈਡਮ ਦਿਹਾੜੀ ਬਾਜ਼ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਸੇ ਔਰ ਤਰਸਤੇ ਰਹੋ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕੋ, ਤੁਮੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ। ਕਿਆ ਬੇੜਾ ਤਰਜੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਐਡੀ ਤੂੰ ਬਾਹੂ ਬਿੱਲੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਮਾਰ। ਅੱਛਾ, ਵਾਕਈ ਅਜੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ? ਇਹਨੇ ਮੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਟਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਡਿੱਗ ਪਵੇਂ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੌਬਾ ਕਰ। ਸੌਰੀ ਬਾਜੀ। ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਖੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਯਸੂ ਪੰਜੂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਮਾਮੂ ਤੋਂ ਮੁਝੇ ਐਸੀ ਡਿਸਕਰਜ ਕਰਤੇ ਰਹਤੇ ਹੈਂ। ਰੀਲੀ? ਮੇਰੀ ਕੋਡ ਜ਼ਿਲਾ ਸੇ ਮੰਗਨੀ ਹੋਈ ਥੀ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੁਆ? ਟੁੱਟ ਗਈ ਥੜਕ ਕਰਕੇ। ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ। ਅਸਲ ਮੇਂ ਨਾ ਕੋਡ ਜ਼ਿਲਾ ਸੋਇਆ ਹੋਗਾ ਥਾ। ਹਾਂ ਤੋ? ਮੁਝੇ ਭੂਖ ਲਗੀ ਥੀ, ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਸੱਜਾ ਗੋਡਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ? ਪੱਲੇ ਨਾ ਥੇਲਾ ਤੇ ਕਰਦੀ ਗੋਡ ਜ਼ਿਲਾ। Keep watching Public Demand. Hum chote waqt ke baad wapas aayenge. Public Demand. Welcome back to Public Demand, ladies and gentlemen. Waqt hua hai stand up comedy ka. Shakil bhai hazir ho. Kitni der ho gayi intezar karte karte, dimag ki dahi ban gayi yaar, dahi nahi aaya. Oye abba, sahi kehte the, main hi nahi sunta tha. Kya kehte the abba? Jab sunta nahi the to kya bataun?
और अम्मा भी सही कहती थी। और क्या बोलती थी अम्मा? अम्मा कहती थी अगर बीवी को खुश रखना ना तो चापलूसी किया कर, उसको शॉपिंग कराया कर, उसके हुसन की बिलाव या तारीफ किया कर, जीने मरने की कसम खाया कर, उसको होटल ले आया कर, बाहर खाना खिलाया कर। तुम्हारी अम्मा इतनी ही स्पीड से कहती थी? हाँ, पूरे मोहल्ले की औरतें मेरी अम्मा को शुएब अख्तरी कहती थी। और अम्मा को मोहल्ले में पिंडी एक्सप्रेस भी कहा जाता था। मेरी अम्मा के बारे में ऐसी बात नहीं करना, पता है मेरी माँ के पाँव के नीचे जन्नत है मेरी। वो तो सबकी माँ के पाँव के नीचे होती है। नहीं, मैंने देखा तुम्हारी अम्मा के पाँव के नीचे टूटी हुई चप्पल थी। अच्छा मुझे ये बताओ कि मर्द को खुश करने के लिए क्या जरूरी है? मर्द को खुश रखने के लिए क्रिकेट का मैच जीतना बहुत जरूरी है, वरना बहुत रोते हैं मर्द। अच्छा सिर्फ मर्दों को ही क्रिकेट मैच पसंद नहीं है? मियां नवाज शरीफ अगर क्रिकेट मैच के शौकीन है ना तो फिर दोस्त आशिक अवान भी बैट बांध के ना चौके और छक्के लगाती है। यार कितना मजा आता होगा नहीं जब इनकी कमेंट्री होती होगी। कमेंटेटर कहता होगा रजिया बहुत अच्छी डिलीवरी करा रही है, कुलसुम ने बहुत अच्छा शॉट मारा है, और आमना गेंद के पीछे भाग रही है, और गेंद के पीछे भाग रही है भाग रही है, वहां पे स्टेडियम में उसका बॉयफ्रेंड खड़ा था, रिक्शे में बैठ के निकल गई, मैच खत्म। औरतों की ना कदर करना सीखो, औरत माँ है। ओ अब्बा के लिए। औरत बहन है। बहनोई के लिए। औरत बेटी है। दामाद के लिए। औरत बीवी है। वो मेरे लिए। वो भूल गई, औरत पड़ोसन भी तो है। वो किसके लिए? वो उसी पड़ोसी के लिए जो पड़ोस में रह रहा है। कुछ लड़के ना सिर्फ इसलिए शादी नहीं करते कि उनको कपड़े और बर्तन धोने पड़ेंगे। अबे चल, बर्तन तो सिर्फ 10 मिनट में धुल जाता है। आयशा जी, बर्तन धोने में तो ये स्पीड स्टार है। हाय हाय हाय। उनको मेरी सीवी क्यों दे रही है? अब मैं शादीशुदा हूँ, बैठे रही है। उनको ना एक बुजुर्ग ड्राइवर की जरूरत है। मेरी ड्राइवरी वाली सीवी दे, तो शोहर वाली दे रही है। आजकल महंगाई की वजह से मेकअप का सामान और ब्यूटी पार्लर के चार्जेस आसमान तक चले गए, तभी तो हल्का सा करती बस चल जाओ। और रोती इसलिए नहीं है, पता क्या, उस शादी में सब रो रही होती, दुल्हन अपना मेकअप ठीक कर रही होती है, 40,000 मुंह पे लग गए। एग्जैक्टली। सुबह उठता है दूल्हा, उसकी चीख निकल जाती है। ये क्या है? ये क्या है? अम्मी बहू। असल मौसी ने सोचा जाए ना, मेकअप एक ऐसा औजार है जो जमीनी हकीकत को छुपाती है। मौसूफ फिक्के से दानेश्वर भी हैं। अच्छा, मैं शुगर नहीं इस्तेमाल करता। मेरी बात सुनो, लड़कियां सिर्फ हसीन ही नहीं ज़हीन भी होती है। बहुत ज़हीन है भाई ये, बहुत ज़हीन है। No doubt. कल मुझसे लड़ रही थी, कह रही है अलार्म कौन है जो मुझे 6 बजे कॉल करता है। इतनी ज़हीन है। अच्छा मर्द ना सारे गधे ही होते हैं। मैंने गधों पे रिसर्च की है, वो अपनी गधी के अलावा ना किसी को नहीं देखते। तभी तो लोग उसको गधा कहते हैं। गधा ऐसे ही थोड़ी बनता है आदमी। मर्द तो वो होता है जो बीबी के साथ मार्केट में जाता है, दूसरे औरतों को देख रहा होता है, घर में सहेली है जो उसको ताड़ रहा होता है। और तुम ताड़ू हो? बेगम मैंने मर्दों की बात की है, शोहरों की थोड़ी की है। शोहर मर्द नहीं होते क्या? समझ आ कर यार, तुझे नहीं पता? नहीं, मैं मर्द हूं। यस। अच्छी और बुरी बीवी में क्या फर्क है? अरे मोहसिन, बीवी अच्छी भी होती है। है? क्या? नहीं, ब्रेकिंग न्यूज़। अच्छी होती है, मिलती कहाँ है ये? मेरा एक दोस्त है, हर नमाज में दुआ करता है ऊपर वाले मुझे एक नई सांस दे दे। अभी परसों ऑफिस से घर आया, उसकी बीवी ने कहा मुबारक हो अब्बा ने दूसरी शादी कर ली। आयशा जहां से साहिबा का कॉमेडी रिमांड चल रहा है, एक बात बताएं कि आपके वार्डरोब में भी क्या ऐसे कपड़े हैं जो आपने बचा के रखे हैं, जब आप पत्नी होंगी तब पहनेंगे? सही जवाब। और ये दिन कब आएगा? बहुत जल्द। कितनी जल्दी? और वो कपड़े कब से रखे हुए हैं? मेरा ख्याल है पिछले 7 साल से। जब 7 साल से नहीं आया और अभी आपको उम्मीद है? आया है। 7 साल में 2 दफा ऐसा मौका आया कि मैंने वो दोबारा पहने हैं। ओके। एंड देन बिकॉज़ आई वाज इन फैमिली वे, तो फिर मेरा वेट दोबारा ऊपर चला गया। ओके। सो आई नो कि आई एम गोइंग टू ब्रिंग इट डाउन अगेन। ओके परफेक्ट। तो उन कपड़ों को हम वापस आपके ऊपर देखने वाले हैं। डेफिनेटली। मैं अपने कपड़े बहुत ज्यादा रिसाइकल करती हूं। मैं तो एक दफा ही कपड़े पहनती हूं, उसके बाद मैं पार्ट जान देने। ओके बाद लांबे पार्ट जान। नो नो, वो बेच के फिर मैं प्यालियां ले लेनी है। हां वो काबिल नहीं रहने। हेलो गाइस, पता नहीं गलती से मैं कहाँ आ गई, लेकिन यहाँ आकर मुझे सरप्राइज मिला। देखें यहाँ बैठी हैं आयशा जहांजेब। आयशा जहांजेब जी, यासरा शामी के चैनल पर आप आई हैं, थोड़ा सा वेव कर दीजिए, लाखों लोग देख रहे हैं आपको। छोटी खताई के मुंह वाली, अगर वेव ही करवाना है तो आयशा जहांजेब ओवल से करवाओ। आयशा जहांजेब ओवल से करवाओ। और पांजी खुदा दा खौफ कर, लखा करोड़ा लोग देख रहे हैं चैनल से,
ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵੇਵ ਕਰਵਾਓ ਜੀ। ਵੇਖ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਅੱਖਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ, ਆਪਨੇ ਕਿਤਨੇ ਯੂਟਿਊਬਰਸ, ਕਿਤਨੇ ਟਿਕਟੌਕਰਸ ਕੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਮੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਆ ਹੈ। ਮੁਝੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ? अच्छा कंटेंट बनाएंगी तो आपको अपने शो में बुलाऊंगी। exactly. ना अब लाइक्स की खातिर भिखारी की चेयर में बैठ के याल्ला याल्ला करेंगी तो याल्ला ये बहुत अच्छा अबे ऐसा ही थोड़ी होता है। कितनी दफा प्रैक्टिस की है? बहुत स्टेशन से इसमें मैं मानुल्ला साहब ना रहे हैं। मानुल्ला साहब के लिए तालियां यार। ये ये अमानुल्ला साहब का आइटम था इसलिए मुझे याद रहेगा। मैडम आप कंटेंट के हवाले से अच्छा काम करें तो हमें कोई एतराज नहीं है आपको शो में बुलाने के। अच्छा कंटेंट अच्छा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो क्या वो कंटेंट अच्छा था? मेरा दिल ये पुकारे आजा। अच्छा, उसके बाद उसने कितनी विलनियां ली हैं उस बच्ची ने कि वो ड्रेस बिक जाए, वो किसी और तरह सेटल हो जाए। नहीं हुई ना, मतलब इसीलिए कि वो जो वन मिनट फेम है उसके बाद फुल स्टॉप है। कुछ ऐसा करो जो फॉर एवर हो। क्या कॉन्टेंट बनाओ? इनके साथ वीडियो बनाऊं कि हेलो गाइस, इस सीट पे हमने ये कुर्बानी करनी है, पिछले साल बच गई थी। और मैं इस सीट से भी नहीं कुर्बान हो रहा। क्यों? मेरा सिंक पूरे है। सिंक पूरे है। और मैं सिंक पूरे दी रहने वाली हूँ। मैडम अच्छा कंटेंट क्या होता है आज हम आपको दिखाएंगे। आप तशरीफ रखिए प्लीज। नूर साहब ने बहुत सी हीरोइंस को इंट्रोड्यूस करवाया, खैर जिनका नहीं भी बनता था उनको भी करवाया रिसेंटली। आपका शर्मिंदा भी है बहुत। आप पर नजर नहीं पड़ी कभी? सच बताऊं तो उनकी नजर नहीं पड़ी, लेकिन यस आई वाज ऑफर्ड प्रोजेक्ट फिल्म खबरनाक के शुरू में, बट उस वक्त मैंने नईम साहब के बाद जाने के बाद टेक ओवर ही किया था। और मतलब इट वाज इम्पॉसिबल कि उस वक्त मैं शूट छोड़ के तो फिल्म करने चली जाती। अच्छा मोशन, मेरे नाल तुसी लड़की पुछाती है, मेरी पांजी फिर शक करती मेरे से। क्यों? प्लीज जरा थोड़ा गैप पुआ दियो। दो बच्चों का गैप काफी है। ऐसे मुझे लगता है अगर आप फिल्म स्टार बन जाती ना, आप वो गाना पिक्चराइज होता। प्यार भरे वाह वाह वाह, दो शर्मीले ने आपको नहीं कह रहा। इनसे मिला मेरे दिल को चैन। थैंक यू मोशन, थैंक यू यार। थोड़ा सुरीला है ये, छोटा छोटा खोचल भी है। क्यों? स्क्रिप्ट का सहारा लेके जेड़ा तू दिल दियां गल्लां कर रहे हैं ना। दिल दियां गल्लां मैनू सारियां पता नहीं। सारी बातें पता है। आपके दिल में भी तो कुछ कुछ हो रहा है जब से वो लड़की वहां बैठी है। ओ नहीं नहीं, साडा ते ध्यान जेड़ा है ना पांजी वाले। पांजी पांजी। यस मामा। शुगर हो गई। यस मामा। बर्गर खा जा। नो मामा। ओपन योर माउथ। माय गॉड ग्रॉस। बर्गर खा जा। ए ए बर्गर ही खा दा। आयशा मेरी बेली को क्रिटिसाइज मत करो। क्यों? मेरी और नूरा फाटे की बेली। ओ, 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 ये बहस है। नहीं, उनकी बेली जो है ना वो जेरे गौर है, आपकी जेरे आताब है। अहलन व सहलन मर बे हया। मेरा मतलब है अहलन व सहलन मरहबा। मैं हूँ अल कबीरा चैनल का मैनेजिंग डायरेक्टर। जी जी जी, मेरी याददाश्त में है। अब आज आप फिर से हमारी गेस्ट को ऑफर करने आएंगे जॉब? गेस्ट तो आपके शो पे आते ही रहते हैं। दरअसल हम आयशा जहां जेब से मिलने आए हैं। आज यहाँ सदी की सबसे बड़ी जॉब ऑफर होने लगी है मोहसिन। देखे सर, मेरा क्या है ना कि मैं बहुत लॉयल हूँ अपनी कंपनी से। हाँ। मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगा। आपके लिए जॉब भी नहीं है, आपके लिए गेट भी बंद है।
हम यहाँ सिर्फ आयशा जी के लिए आए हैं, ये ऑफर सिर्फ इनके लिए है। ओह माय गॉड, दैट्स अ सरप्राइज। आयशा, राहुल नाम तो सुना होगा। हम कब के भी उधर निकल जाते हैं, वो हमारे एम्बेसडर भी तो है। जी जी बिल्कुल। आयशा जी, फूलों की डोली में बैठकर हमारे साथ चलें और चैनल की बागडोर संभाल लें। हाँ, मतलब फूलों की डोली से मैं समझी कुछ और, लेकिन चैनल की बागडोर से मैं समझ गई कि कुछ और। दरअसल हम आपको एंकर अव्वल बनाना चाहते हैं। हेलो, क्या बोल रहे हैं? एंकर अव्वल क्या होता है? ये जॉब ऑफर नहीं लग रही मुझे। आयशा जी, आप हमारे चैनल पे मॉर्निंग शो होस्ट करेंगी। okay. और वक्त की पाबंदी बिल्कुल नहीं है। जब आपकी आंख खुले, भले रात के 8 बजे खुले, आप मॉर्निंग शो होस्ट कर लें, नाश्ता हम खुद बना लेंगे। मोहसिन, what is this? सर क्या कर रहे हैं? गेस्ट हैं हमारी। तशरीफ रखें। आप सुबह मॉर्निंग शो में ये निदा यासीर और प्राइम टाइम में शाहजेब खानजादा के दांत खट्टे करेंगी, बल्कि उसके चश्मे का नंबर भी बदलवाएंगी। वो टेलीप्रॉम्प्ट पे भी गलत खबर पढ़ देता है। यार हैगा कौन है जैतून नु तरसन वाला? इतनी क्यों में हिम्मत है तो ये ऑफर मुझे करके बचाओ। प्लीज बकवास बंद करो। अगर मैंने ये ऑफर तुम्हें दी, एक दिन में पूरे दुबई का राशन खत्म कर देगी। और हेलो, मेरी पांची दी गल मेरे नाल करनी, खजूर तो तिलकण आलिया। बकवास बंद करो, तुम्हारी भांजी की बात सिर्फ यमराज से होगी। आप ये बताइए आशा जी, कि आपके मॉर्निंग शो में कितने बाराती, मेरा मतलब है कितने गेस्ट, अपना कितने मेहमान होंगे? ऑडियंस, ऑडियंस कितनी होगी? हाँ, ऑडियंस, यस। मुझे क्यों दाल में काला लग रहा है मोहसिन? आप फिकर मत करें, दाल पूरी काली है। मुझसे बात करें आपकी, आपको इन तक पहुंचने के लिए मेरी लाश से गुजरना होगा। अच्छा, इधर बात करने के लिए आपसे करना पड़ेगा? मेरी लाश से गुजरना होगा तुझे, अलकबीरा के बांदर। लेटो, मैं गुजरता हूँ। हेलो भाई, तू सीधी सीधी गल क्यों नहीं करता? डेरे दुबई च गट्टा वेचना लिया। डेरा दुबई च गट्टा। बकवास बंद करो, उल्लू के गट्टे। मेरा कोई गट्टे का कारोबार नहीं, मैं वहाँ पे चाबी वाले खिलौने बेचता हूँ। सारी बातें छोड़िए, ये बताइए कि आप हक महर में, मेरा मतलब है सैलरी कितनी लेंगी और कौन सी करेंसी में लेंगी? डॉलर में, पाउंड में, यूरो में, या बांग्लादेशी टका में? okay. क्योंकि टका ने भी पाकिस्तानी करेंसी को टके का कर दिया है। दो टके के एफडी छोड़ दे, मेरी कैश का पीछा नहीं करो। अंदर लास्टिक वाला पहना हुआ मैंने। ये नजारा मैं ताब नहीं ला सकूंगी, प्लीज प्लीज ना करो। आशा जी, जी जी, हमारी ख्वाहिश है कि हम पीसीआर में बैठे हों, अच्छा, और आप स्टूडियो में दुल्हन बनकर ऐसे आए जैसे ऐ दिले मुश्किल में अनुष्का शर्मा रणवीर के सामने आई थी। मोहसिन, ये क्या ऑल फॉल बके चले जा रहे? देखें, मोहब्बत और जंग में फॉल प्ले नहीं होता, सब जायज होता है सिवाय बच्चे के। क्या? यकीन कीजिए, जो कशिश है शकल और कशिश है उल्फत मेरी आंखों में है, वो तो रणवीर को मुयसर भी नहीं। आपकी और मेरी आंखों के लिए शायर ने कहा था, बताओ घूंचू। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? इसके 2 रियाल रख लो, और जितने तरनुम से इसने गाया है ना, ये समझ लो मेरी फीलिंग्स थी। आपकी जो फीलिंग्स है ना, वो सारी बाहर आ रही है। आप देखें, मुझे ना आपका रिश्ता कबूल है, ना मुझे आपका क्या जॉब प्रपोजल, वो भी नहीं कबूल है। नो, आई एम सॉरी, आई एम वेरी हैप्पी व्हाट आई एम डूइंग हियर, थैंक यू वेरी मच। तो आखिर में मेरे नसीब में ये धरती का बोझ है। आप ले लें, आप ले लें, प्लीज प्लीज। नहीं, आप नहीं, मुझे तो, मुझे तो आपके पहले बच्चे भी कबूल है। प्लीज नहीं छोड़ दें, वो मेरे साथ करें या फिर क्या कर पाएंगे? मैं, मुझे वो सिग्नल ही व्यक्त करें। और क्यों ना मैं पहले और मैं वापस आता हूँ। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड, लेडीज एंड जेंटलमैन। चल रहा है आयशा जहांजेब साहिबा का कॉमेडी रिमांड, और अब हमें ज्वाइन कर चुकी हैं सबके जावा। कैसी हैं आप? I'm fine. How are you? I'm doing great. मुझे पता चला है कि गुज़िश्ता 6 माह में एंट्री हो चुकी है इंडस्ट्री में। जी, ये कैसे हुआ? ऐसे हुआ कि मैं लास्ट ऑप्शन थी इन लोगों के पास। अगर मैं ना होती तो इन लोगों के प्रोडक्शन का पैसा जाया होता। You are a savior, darling. Helping hand. Oh yes, you are. Oh, of course. तो खैर, जो हमारे साथ शो पे दूसरी दोनों बाजियां होती हैं, या जो बाजी वर्न्ट देयर, तो आई वाज देयर
सेट पे एक्सीडेंटली, तो जो प्रोड्यूसर हैं शो के उनको कोई बंदा चाहिए था, तो उनका बस नहीं चला था कि वो किसी लड़के को विग पहना के बैठा तो उन्होंने कहा कि इससे बेहतर है कि हम किसी लड़के को विग पहनाएं, उन्होंने कहा मुझे रख लेते ओके okay. तो फिर बस ऐसे ही भागम भाग जल्दी से तैयार हुए और जाके बैठ गए, और फिर उसके बाद दे लाइक्ड मी इन द शो, दे वांटेड मी टू बी अ पार्ट ऑफ इट, तो बस अब ऐसे ही 6 महीने गुजर गए हैं। ऑलराइट, नाइस एल्डन आयशा, वैसे तुसी दो में पहना बहुत सोनिया लग रही हैं। शी इज माय डॉटर, वो मेरी बेटी है जी। यार कोई चीज नेड़े अरबी चौक के मेरे सिर च मारी। तुम सिर्फ अरबी का घुंघट उठाओ तुम वैसे ही मर जाओगे। कोई भी गल कर रहा है शारजा स्टेडियम च चपेड़ा खाने वाले। भाई मेरी माने तो इस अरबी में आलू डालने आप। ये अरबी लेस छोड़ता है। जो हाँ, तो इस फील्ड में जब आप आ ही चुकी हैं तो आपकी आइडियल कौन है? मामा रहेंगी यानी आयशा जहांजेब साहिबा या ओप्रा विनफ्रे? सक्सेस। आउच मामा, मामा आउच। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, आई एम प्राउड ऑफ हर, ऑफ कोर्स। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप मामा के नक्शे कदम पे चलेंगी यानी आप होस्टिंग करेंगी या अदाकारी का भी इरादा है? मुझे बचपन से अदाकारी का शौक था। ये जुमला इतना घिसा पिटा है जिसकी कोई हद नहीं। सच्ची में इनके मेरा ख्याल है आप मामा के फील्ड में आने से पहले मुझे शौक था। ओके लेकिन फिर अल्लाह ताला ने चांस दे दिया और फिर मुझे चांस मिल गया। ये आपका वसीला है, ये वसीला बनाया मामा ने। वेल चल, वेल चल, देखो ये मुकद्दर होंदे ने, साढ़े हाथों च वड्डी हो गई है, ए मेरे हाथों च किड्डी हो गई है। वो भी वड्डी हो गई है, वो ऐसा वड्डी हुई है, ऐसा वड्डी हो गई। और जोहा, आप मुझे भी फॉलो करो और ओप्रा विनफ्री चदर को भी करो। इस तरह आप फेम भी कमाओगी और बिट क्वीन भी। ये असल बात अब की है ना, असल बात उन्होंने अब की है। अब मुद्दे पे आए हैं, अब मुद्दे पे आए हैं। लेकिन ध्यान नहीं देना है, बिट को ऐस करती रहती है। So, अदाकारी का शौक आपको बचपन से तो था, हाँ। तो आपको कब तक हम स्क्रीन पे देख रहे हैं टेलीविजन की अदाकारी के जौहर दिखाते हुए? कुछ चीजें आर इन द मेकिंग। ओके, ऑलराइट, सो अब बस देखते हैं। भाई क्या बात है, पहले तो आपको मुबारकबाद होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात। थैंक यू। दूध के पांव पालने में दिख जाते हैं, शाबाश, जीती रहिए। लेकिन ये बताएं कि ये जो एक इंसान नुमा यकील है जो अंदर से शकील है और बहुत बखील है, मतलब कील से देखी कही है। असल मुद्दा ये है कि क्या आपको असल जिंदगी में ऐसी ऑफर हुई है जॉब की? जॉब की या प्रपोजल? दोनों बता दें। दोनों खुद ही जा रही हूँ उस तरफ। मैं जा रही हूँ उस तरफ। देखिए ये जो प्रपोजल सारी चीज है ना, ये तो आज तक होता है। इतने हर प्लेटफॉर्म पे बता चुकी हूँ कि मेरे 5 बच्चे हैं, शी इज वर्किंग विद मी अल्हम्दुलिल्लाह, एंड मतलब इसमें कोई किसी को एहसास नहीं है, आई एम हैप्पीली मैरिड। उसके बावजूद लोग अपना दिल हथेली पे रख के नहीं मुड़ते। आयशा जी, जी जी, हम 11 महीने शबाना रोज मेहनत करेंगे। अच्छा। और 1 महीने की छुट्टी लेके चंद्रयान 3 पे, अच्छा, उसको रेंट पे लेंगे, पहले रंशलान फूफी के घर जाएंगे, फिर चांद का रुख करेंगे और दोनों मिलकर गाएंगे, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो। हम नहीं तैयार, नहीं तैयार, नहीं तैयार। ये दौरा हमारा ऑफिशियल भी होगा और फैमिली विजिट भी होगा। अच्छा, शेख साहब आपस की बात है, मैं सामने बैठी हूँ और आप ये हरकतें कर रहे हैं। बेटा मैं उसको बहन बना के ले जा रहा हूँ। कटिया पहले जहन बना रहे थी और बहन। ओके आयशा जी, अब आपसे कुछ टेढ़े तिरछे सवालात होंगे, आप तैयार हैं? हाँ। खबरनाक या चॉकलेट टाइम्स? दोनों, दोनों का डिप्लोमेटिक जवाब नहीं देना। डिप्लोमेटिक जवाब देखिए, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। हाँ, वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। चेक भिजवा दीजिए जो। अच्छा देखिए, खबरनाक था, चॉकलेट टाइम्स है, सो चॉकलेट टाइम्स। आफताब इकबाल साहब या नईम बुखारी साहब? आफताब इकबाल एनी डे। बेस्ट मिमिक्री आर्टिस्ट, मोइन अख्तर साहब या मीर मोहम्मद अली? मोइन अख्तर। मोइन अख्तर साहब के लिए बहुत सी तालियां, लेजेंडरी सर मोइन अख्तर साहब। आगा माजिद या सलीम अलबेला? सलीम अलबेला एनी डे। क्या बात है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर एवर, नूर जहां जी या लता मंगेशकर जी? अच्छा अब ये ज्यादती है, हमारे मुल्क में नूर जहां जी और उनके मुल्क में लता मंगेशकर।
ऐसा कोई जवाब एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? मेरी मर्जी, मेरा जवाब है। अपने को एक किच मांगता है। ना 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 ना, फिर मैं तो अपने टैलेंट को कहूंगी, हमारी हमसे सीखा है उन्होंने गाना, तो मैडम नूरजहां। हां देखा, इतनी सी बात थी। आप बताइए मामा, गाड़ी में कौन से गाने सुनती हैं, लता जी के या मैडम के? किसी के भी नहीं, गालियां देती। अच्छा, यानी आप कुछ नहीं सुनती, बेचारी वो सुनती है। रोड रेज होती है, रोड रेज, और मैं गालियां नहीं देती। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, गालियां तो आजकल मैंने छोड़ी हैं। अच्छा, आजकल छोड़ी हैं, वरना हैं, वरना बहुत दी हैं लोगों को। कि कोई फखर की बात नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, सॉरी टू हर। नहीं, मैं उसको नहीं देती भाई, वो पच्ची कह रही है। कभी कोई माने, कभी कोई पागल माने, कि वो पागल है। फवाद अली या फवाद खान? फवाद। सबा कमर या फिर आयजा खान? सबा। आरिफ लोहार का चिमटा या नसीबो लाल की गड़वी? आरिफ लोहार का चिमटा। ओके, चिमटा वो हमारे पंजाब की आन बान शान है। क्या बात है, नाले चिमटे दे भी फायदा है ना, बंदा यहो जी चीजा भी फाड़ लेंदा जूरो। हाँ, चिमटा भी बजा लिया ते नाल ओनू खुरक होई ते ओ भी कर लिया। कीला की जवानी या मुन्नी की बदनामी? कोना फ्रेंड का ऑप्शन यूज करना चाहेंगे आप? वो फ्रेंड नहीं है ना, उसने बोल देना है कि क्या कर रही है। थोड़ा सोच के तुसी शीला चे मुन्नी दे भाई नु पूछ लो। अम्मा क्या सुनती हैं आपके ख्याल में? फेविकोल से। ओ तेरे फोटो को सीने पे यार चिपका लूं सैया, चिपका लूं सैया फेविकोल से, फेविकोल से, फेविकोल से। यानी ना शीला ना मुन्नी, फैवी कॉल चल रहा है यहाँ पे। लड़की ने बहुत अच्छा खेला, मैं लड़की के लिए तालियां बजा रहा हूँ। क्या बात है, नॉट बैड नॉट बैड नॉट बैड। अगली बारी है, कुछ गीतों के अंतरे आपको सुनाए जाएंगे और आपको उनके मुखड़े यानी उनकी अस्थाइयां गेस करनी है। ओके। दुनिया को हमने दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या, हम सबकी परवाह करें क्यों, सबने हमारा किया क्या, मिया ने हमको दिया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अस्थाई पे पहुंचे। मिया ने हमसे लिया क्या, हम की परवाह करे क्यों। ये खुद ही आएंगी, खुद ही आएंगी। हाँ हाँ, पहुंचे। दम मारो दम, मिट जाएगा बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। आशा भोसले जी ने गाया इस गीत को, आरडी बर्मन साहब और आनंद बख्शी साहब ने इसको लिखा और कंपोज किया। ओके, रोकी तू ता रा मेरी रोकी, रोकी तू रा मेरी रोकी, दे बैठने दे लोकी, होवांगी बदनाम सजना, जोड़ा मैं हाथ पई जोड़ा, मैं तेनू पई मोड़ा, ना मिले सरे आम सजना। सुन ले हाय हाय, सुन ले रौला नहीं हो पैना चाहिदा, कुंडे लाइदा। वाह, कमाल करते हो, क्या बात है। फिल्म मुखड़ा नूरजहां जी और नदीम साहब, मौसिकार थे वजाहत अतरे साहब और ख्वाजा परवेज साहब की धुन थी। अगला गीत है, थक गईया पानिया नु पुण पुण के, ओके, गल्लां ऐसे दिल दियां सुन सुन के, ओके, सुनावा मैंने है लेकिन आई कांट पुट माय फिंगर। डाडा सानू कीता है तू तंग सजना, हा हा हा, बदले लवांगी तेतों। आप जो हमारे ऑफिस पहुंची हैं, हाँ, तो क्या बरास्ता कैसे पहुंची हैं? टेन 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 कानूनेर वाले पुल पे बुला के, कानूनेर वाले पुल पे बुला के, ते खबर माही कि तेरे गया, साड़ी अखा में चुनी मेरा उड़ा के, ओ साड़ी अखा में चुनी मेरा उड़ा के, ते खबर माही कि तेरे गया। बड़े मजे आ रहे हैं मेरे रक्स दे। लेकिन जाते जाते हम आपको एक और मौका देंगे हमें जलील करने का। वाह 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 वाह, क्या बात, आपकी दिली ख्वाहिश। कितने दयालु लोग हैं, हम घर बुला के जलील करवाते हैं। देखो देखो, कहां मिलेगा तुम्हें ऐसा शो। The one and only public demand. Happy roasting it is, ladies and gentlemen. Come on, guys. Okay, जाने से पहले मैं इधर आ जाएं, आप थोड़ा करीब आएं। अरे बच्ची को मौका दें फलने फूलने का। Listen to me, careful, darling. Okay. मिल गया
हमको टैलेंट मिल गया, हमसे कर कोई जल गया, ओ, ओ, चलने दे, मिल गया हमको टैलेंट मिल गया, खुद ही घर में कोई जल गया, ओ, ओ, चलने दे। तेरे लिए समाना, तेरे लिए और तू माँ के लिए, ताली दोस्त। ओके, सो अब वक्त हुआ चाहता है हैप्पी रोस्टिंग का। लगे हाथ, सबसे पहली बारी शकील सिद्दीकी भाई की। एनक वाले जिन याद है? उसमें जो जकूटा था ना, मुझे क्या बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं? एनक उतार के बिल्कुल वही लग रहे, ऐसा भी लग रहा है कि जैसे जंगी जहाज के मुंह के ऊपर मूछे लगाए। अगली बारी है जी, इधर से आते हैं शेरी नन्हा बाजी की। ये वो जो पड़ोला होता है ना, उसको टांगे लगी हुई है। ओके, अगली बारी है वाजिद भाई की। हाँ, ये ऐसे लग रहा है सिट्टे का फोक, देखा है ना? हाँ, सिट्टा सड़ जाए तो फोक रह जाए। नहीं नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे आटे का पेड़ा बना के किसी ने मुक्का मारा। फलक, बट अगली बारी। एहजी कुड़ी मुंह नाल मोटरसाइकिल दी आवाज बहुत चंगी कर दी है। ऐसी लड़कियां अपने घर के मुलाजमीन से बहुत लड़ती हैं। इसमें जुगत का दी है तो इन्फॉर्मेशन है। हाँ, ये अपनी अम्मी वाला काम क्यों बता रही है? पहले हम मोहसिन को भी खाए। हाँ, ये देखे ना, ये हमारे होस्ट चुन चुन के। हाँ, ऐसे लग रहे छोटी बहन की कमीज पहन के आए हैं, पूरी नहीं है बटन खोले हुए। अगर देखा जाए तो ऐसे लगता नहीं है जुओं को दम दिया हुआ है। अच्छा, बाहर से देखे ऐसे लगता है कि कोई फ्रॉड है और नबीना बन के एक्टिंग कर रहा है। लड्डू पीटियों का वीडियो कर रहे हैं। लड्डू उस जैसे जला वाला है। एक मिनट, एक मिनट, क्या है, क्या है, एक मिनट, प्यार हो जाए झूठों में। अरे एक मिनट, ये वही है जो धोखे डाली थी ना। क्या है? नहीं नहीं, गलत है यार, तुम कॉमेडी के नाम पे मतलब बहानेगिरी करते जाओ और एंडिंग अच्छी मिल जाएगी शो में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है शकील साहब, हमें भी दो दो। शकील साहब, मैंने ये कहा ही नहीं कि आपके कान फिसले। ऐसे नहीं भाई, बच्चे देख, ना करें प्लीज, अरे ना करें, ना करें प्लीज, ना करें, ना करें। क्या हो गया है? बिल्कुल ना, नहीं मोहसिन, ये क्या बात है? एक सेकंड, एक सेकंड यार, बात कर रहे हैं यार, गलत है शायद भाई, गैस का क्या मतलब है? गैस ये बताइए, हमारा जो था एक ही कर दिया, एक ही फॉर्मेट क्या है? आप ये बताइए, आप डायरेक्टर हैं आपके सीनियर हैं। ऐसी बात नहीं है, वो शकील भाई भी गुस्सा नहीं कर रहे यार, आप वैसे प्यार से कहें कि भाई जुगत ना करें, इसका मतलब ये तो नहीं आप झगड़ा करेंगे सेट पे। पता लगा सीनियर क्या होता है। सर जी,
देखो बताना चाहते थे सॉरी मैं नहीं, नहीं, आप बहुत अच्छे हो आप बहुत बहुत वेलकम ये अमिताभ बच्चन की नकल की है यार बाबा एक बात बताओ ये सब ये नकल वहाँ जाती है वहाँ से कोई नहीं की जाती है देखिए गौर से इतनी देर से दम दिया बता कहानी पे चल गए